फ्रेंड्स, आप सबका बहुत स्वागत है कुकिंग विद रूप पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की स्पेशल लाल मांस की रेसिपी। तो चलिए झटपट से बना लेते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो मटन। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप इसे मैरिनेट करेंगे लहसुन और अदरक के पेस्ट से। तो इसमें ये जो पेस्ट है, इसमें लहसुन जो है उसकी मात्रा ज़्यादा है, मतलब 70% लहसुन है और 30% अदरक है। लहसुन का टेस्ट क्या है कि इस रेसिपी में थोड़ा सा तीखा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने जो लहसुन की रेशो है वो थोड़ी ज़्यादा रखी है। और अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद आप इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। कुछ लोग इस रेसिपी में मटन को मैरिनेट नहीं भी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा मैरिनेट करती हूँ। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आप भी इसे मैरिनेट ज़रूर करें, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और अब हमें चाहिए होंगी 8 से 10 लाल मथानिया मिर्च। इस रेसिपी में मथानिया मिर्च ही पड़ती हैं, लेकिन अगर आपको ना मिले तो आप लाल कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और इस मिर्च को हमने 20 से 25 मिनट सोख करके रखना है गर्म पानी में, ताकि जब हम पेस्ट बनाएंगे तो वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी और अच्छी तरह से पिस जाएंगी। जब तक मटन मैरिनेट होता है और लाल मिर्च सोख हो रही है, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 बड़े प्याज, और इन्हें मैंने इस तरह से स्लाइसेस में चॉप कर लिया है। इस रेसिपी की एक ख़ास बात यह है कि इसमें ना मसाला बनाने का बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है कि ग्रेवी तैयार करो और फिर है ना भूनते रहो, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। तो यही चीज़ मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए, सारी तैयारी करने के बाद हम लेंगे हैवी बॉटम का एक पतीला, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, और इसमें डालेंगे हम 1 कड़छी देसी घी। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ये देसी घी में ही अच्छी बनती है, तो इसलिए आपने कोई और तेल या घी यूज़ करने की गुस्ताखी बिल्कुल भी नहीं करनी है। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी तेल या घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देसी घी में बनाएंगे तो फिर आपको एक अलग ही टेस्ट आएगा। और जैसे ही ये घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, तेज़पत्ता, 2 तेज़पत्ते डाले मैंने, और 8 से 10 काली मिर्च। बस इतने से ही गर्म मसाले इसमें पड़ते हैं, और हल्का सा भून लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम स्लाइस किया हुआ प्याज, और इस प्याज को हमने पिंकिश ब्राउन होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो बस इस तरह से आप मीडियम से हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कर लें। और अब मैं बताती हूँ आपको कि इसमें और क्या डालेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी लिया दही, और इसमें डाला मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसमें अब जाएगा सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच। इसे डालना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है कि एक ना इस सब्ज़ी में तीखापन आता है, तो इसे आपने बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और फिर प्याज भुनने के बाद हम इसे इसमें ऐड करेंगे। और देखिए, प्याज का कलर जो है वो भी टर्न हो रहा है, पिंकिश ब्राउन हो रहा है। बस 1-2 मिनट इसे और फ्राई करेंगे हम हाई फ्लेम पर, और जैसे ये प्याज फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन मिला देंगे, और बिल्कुल तेज़ आंच पर हम इस मटन को 7 से 8 मिनट भूनेंगे। तो चलिए, अब इसे 7 से 8 मिनट भूनूंगी अच्छी तरह से। तो चलिए, अब भूनने के बाद हम इसमें मिलाएंगे लाल मिर्च का पेस्ट। फ्रेंड्स, ये जो मथानिया मिर्च होती है ना, इसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होता, ये एक तरह की मीठी मिर्च होती है। तो आप बिल्कुल भी इस बात से मत घबराइएगा कि ये जो मिर्च है ये सब्ज़ी को कड़वी कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपको इनकेस ये ना मिले ना, तो आप लाल कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम यही इफ़ेक्ट देगी। और अब इसे भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और अब मिलाएंगे इसमें दही जिसमें हमने मसाले मिक्स करके रखे थे, और फिर से हम इसे भूनेंगे
7 से 8 मिनट। अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए कुक होने के लिए रखेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये सब्ज़ी जल्दी से कुक हो जाए तो आप इसे कुकर में भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपने कुकर में एक विसल आने के बाद गैस को बिल्कुल सिम कर देना है और फिर 3 से 4 आप विसल उसमें लगवा लें और चेक कर लें। अगर आपका मटन ना गला हो तो एक आधी विसल आप और लगवा सकते हैं, और अदरवाइज़ 3 से 4 विसल में अच्छी तरह से कुक हो जाता है। लेकिन मैं इसे ऐसे ही कुक करूँगी। तो अब मैं इसे 30 से 35 मिनट के लिए इसे ऐसे ही सिम गैस पर छोड़ दूँगी, लेकिन बीच बीच में मैं इसे हिलाती भी रहूँगी, क्योंकि हिलाना बीच में बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि मटन जो है बॉटम के साथ लग गया तो सारी जो मेहनत हमने की है वो सारी बेकार हो जाएगी। और अब मैं इसे कवर कर दूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरी लाल मांस की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारा सा कलर आया है इसमें, और जो मटन है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें मुझे लगे हैं 40 मिनट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने जब इसे कुक किया तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।